इंडस्ट्री में आज अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के बीच होने वाले सीरीज के तीसरे ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों दूसरे ओडीआई मैच में शानदार अपने टीमें बनाई। मैंने आपको बोला था जो ट्रंप प्लेयर आए थे जॉर्जिया वेरियम, टायला मैकग्रा और रुबिया खान, भाई तीनों प्लेयर बहुत ही शानदार पिक अपने लिए रहे थे। ग्रैंड लीग में केवल 23 पॉइंट की वजह से अपनी जो मेगा जीएल फर्स्ट रैंक है वो चूक गई इस मैच में। लेकिन इस मैच में अपन को बहुत ही शानदार, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से टीमें बनानी है, सीवीसी किसे रखना है, बहुत से देखो प्लेयर्स हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत चुकी है तो चेंजेज कर सकती है। वो क्या चेंजेज होंगे आपके लिए, आपको टीम में क्या चेंज करने होंगे, सब कुछ बताऊंगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो मैच फिर से वहीं खेला जाने वाला है, शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका, ठीक है। सेम पिच है, सेम टीम है और वही सेम रिजल्ट आपको फिर से मिलने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन फिर से विन करने वाले है। लेकिन यह बात तो सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन वो चेंजेज क्या करने होंगे, किस प्रकार से चेंजेज होंगे, वो अगर आपने ध्यान से वीडियो को पूरा समझा तो लास्ट मैच की तरह इस मैच में पेमेंट बहुत ही पैसा अच्छा आपको विन करवाने वाले। यहां देखो आप बांग्लादेश 97 पे ऑल आउट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इजीली चेंज करती है, ठीक है। एक विकेट पेसर को मिलता है 11 विकेट स्पिनर, तो आपको पता है स्पिनर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले। यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया वुमेन 213 बना रही है और बांग्लादेश की वो जो वुमेन टीम है वो 95 पे ऑल आउट होती है। भाई 4 विकेट पेसर को मिले, 10 विकेट मिले थे स्पिनर को। इससे पहले के मैच देखोगे तो पाकिस्तान वुमेन 166 बनाया, उसको चेज किया बांग्लादेश वुमेन ने, 10 के 10 विकेट स्पिनर को मिले, पेसर को एक भी विकेट यहाँ पे नहीं मिला। बांग्लादेश 169 बना रही है, पाकिस्तान की टीम भी 169 बना रही है, यानी कि ये टाई हुआ था मैच। 2 विकेट पेसर को मिले, 12 विकेट निकाले थे स्पिनर। स्पिनर्स के विकेटों की संख्या आप देख सकते हो तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने लास्ट टाइम बोला एक ही पेसर रखना है और मेगन सूट को रखना है, ठीक है। गेम गार्ड नहीं खेली तो अपन ने एकदम से क्लियर कर दिया था, तो ज्यादा आपके लिए ज्यादा समस्या आएंगी इन टीम बनाने में। बांग्लादेश 81 पे ऑल आउट हो रही है, पाकिस्तान की टीम चेंज कर रही है, 14 विकेट स्पिनर, यानी स्पिनर्स के कमाल है भाई यहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के भी देखो विकेट जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं एक तरफा कि वो 10 विकेट से 8 विकेट से मैच नहीं निकाल पा रहे इतने छोटे स्कोर को भी, तो आप समझ सकते हो पिच एकदम से बैटर्स के लिए बिल्कुल भी अनुकूल पिच नहीं है, ठीक है। तो आज के मैच में भी हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले खेलेगी तो आपको ठीक ठाक स्कोर दिख सकता है। अगर बांग्लादेश पहले खेलती है तो फिर आपको फिर से अंडर 100 या फिर 100 से थोड़ा बहुत ज्यादा रन बना सकते हैं, बाकी चांसेस कम है, ठीक है। यहां देखो लास्ट दोनों मैचों की जो हेड टू हेड टीम है उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि फिर से आपको 7 से 8 प्लेयर रिपीट होते हुए नजर आने वाले हैं। यहां देखो आप एन सुल्ताना, बैथ मुनी, हेली आई थी, ठीक है, पहले मैच में। इसके अलावा मोस्टली अच्छा खेली थी, गार्डनर कैप्टन आई थी, वाइस कैप्टन एलिना किंग आई थी, इसके अलावा मैकन सूट, किम कार, ठीक है, और सदरलैंड। ये बात कर ली अपने ऑस्ट्रेलिया। यहाँ देखो आप सोफिया मोनोलिक्स, जॉर्जिया वेरियम सीवीसी आए थे, ठीक है, दोनों एलिना किंग, मैगन सूट, किम गार्थ खेली नहीं थी, यानी इनके सारे बॉलर आ रहे हैं। गार्डनर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, टायला मैकग्रा के पास एक कैच गया था, थोड़े बहुत रन किए थे। इसके अलावा पेरी और हेली, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, एक मैच में पेरी फ्लॉप हुई थी, ठीक है। इनकी तरफ से आप देखोगे तो भाई नाहिद अख्तर इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए इस गेम में रहने वाली है, ठीक है। एस खातून को आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी पिक है, और रविया खान आई थी एक मैच में आई थी, एंड सुल्ताना। तो काफी सिमिलर सी टीम आपको फिर से बनानी है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगी तो उस कंडीशन में कैसी टीम रहनी चाहिए, और अगर वो पहले बैटिंग कर जाएगी तो किस हिसाब से आपको टीम बनानी है। देखो फेवर आपको ऑस्ट्रेलिया को ही करना है, टीम में बताऊंगा किस प्रकार से आपको रखनी है। यहाँ देखो भाई 3 ODI मैच हुए, 3 बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया बांग्लादेश को, तो फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने वाली है। यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया वुमेन की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली, भाई पिलिचपिल के साथ ओपन करेगी हेली, उसके बाद पेरी आपको नजर आएगी, बैथ मोनी, टायला मैकग्रा, गार्डनर, सदरलैंड, जॉर्जिया वेरियम, एलिना किंग, सोफिया मोनोलिक्स और मैगन सूट आपको खेलते हुए नजर आएगी। अब ये टीम देखो सीरीज जीत चुकी है तो एक चेंज कर सकती है, क्योंकि पिलिचपिल का जो फॉर्म वो अच्छा नहीं है, तो ग्रे सीरीज को खिलाकर ये शायद ओपन भी करा सकते हैं, ठीक है, या फिर किमकार को लास्ट मैच रेस्ट कराए तो शायद इसको वापस नहीं लाएंगे। बाकी नई प्लेयर है टी वेलमिनिक, इसको मौका मिल सकता है, 0, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 और 2 विकेट। जो भी चेंज होगा, मैच रिलेटेड जो भी अपडेट रहने वाली है सब बताऊंगा टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने के बहुत से फायदे भाई, लास्ट मैच में मैंने टीम बताई उस हिसाब से जिसने लगाई काफी अच्छा पैसा विन किया होगा। इस मैच में बताऊंगा वो सब टीमें बताऊंगा मैं आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। प्लेयर की कोई अपडेट होगी वो भी मिलेगी, तो टेलीग्राम आप पक्का ज्वाइन कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें। यहाँ देखो भाई पीलिच फील्ड को देखो, 35 रन की पारी, उसके बाद 15, 18, 3, 4, 21, 0, 5 खत्म है कहानी, ठीक है। एक 35 रन की अच्छी पारी आई थी आईपीएल में उससे पहले, इसके लास्ट 20 मैच में एक बार ड्रीम टीम के मेंबर बनी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
बाकी लेना चाहो ले सकते हो, रिस्की पिक जरूर रहेगी। बाकी जीएल में एक आध टीम दे भी सकते हो। देखो जीएल में कई बार होता है कि 20 से 25 रन कर जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बैटिंग से जो प्लेयर आने वाला है वो इतने पॉइंट्स का आने वाला है, ठीक है, या फिर पेरी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाली है। हेली को देखो आप, 33, 55, 3, 29, 4, 24 और 15, हेली के पास एडवांटेज ये है, इसके रन तो आपको कम दिखेंगे लेकिन ड्रीम टीम की मेंबर बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि विकेट कीपिंग में कैच जाते हैं भाई, और वुमेन क्रिकेट में तो ज्यादातर चांस है कीपर के पास, ठीक है। तो यहां से हेली आपके लिए बहुत ही सेफ पिक है, और लगभग 99% चांसेस है इसका रोल गेम में बनेगा, क्योंकि ओपन करेगी कीपिंग करेगी तो इसके पॉइंट्स रहने वाले। पेरी 49, 40 रन, 6 विकेट, 66 एक विकेट, 35+0, 2+0, लास्ट मैच में फिर से 35 रन बनाए, विकेट हालांकि पेरी को नहीं मिल रहा है। दोनों ओडीआई में स्टार्टिंग में 4 ओवर डाले इसने, लेकिन विकेट पेरी को नहीं मिला है। बैट मोनी को देखो आप, 85, 66, 74 किए थे आईपीएल में, उसके बाद 0, 25, 60, लास्ट दो गेम बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हो कि एक अच्छी पारी आपको खेल कर दे। हालांकि ये पिच उस लायक नहीं है कि आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन करने की सोचो, ठीक है। बाकी एजे प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो। टायला मेघराज 44, 3 विकेट, 22 एक विकेट, 1+0, 1, 3+0, 9 और 10। भाई टायला मेघराज से बॉलिंग टीम नहीं करवा रही है, तो थोड़ी सी रिस्की पिक रहेगी। एक तो बैटिंग नीचे आती है, और बाई चांस की बैटिंग फिर से आती है तो ये भी इतना अच्छा नहीं खेल पा रही। आप देख सकते हो पिछले कुछ मैचों से बिल्कुल भी रन नहीं, हालांकि लास्ट मैच में ड्रीम टीम की मेंबर जरूर बनी थी। तो एज ए जीएल ट्रंप पिक आप ट्राई कर सकते हो, टायलर मेघराज पीलिच फील्ड में से एक प्लेयर को, ठीक है। गार्डनर को देखो आप, 2 विकेट, 1 रन, 1 विकेट, 15 एक विकेट, 12+0, 32 3 विकेट, 20 रन, नॉट आउट, 2 विकेट। मैंने बोला था भाई सीरीज में सबसे अच्छी पिक आपके लिए गार्डनर रहने वाली है, क्योंकि लगभग आप इसके मैच देखोगे ना, लगभग 95% मैचों में ये आपको एज ए प्लेयर दिखेगी, और कुछ मैचों में ये कैप्टन भी आती है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लगभग मैच में विकेट ये निकाल जाती है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाली है। सदरलैंड की बात करें, 1+0, 1 विकेट, 20+0, 6, 58 नॉट आउट किए थे लास्ट मैच में, बैटिंग बॉलिंग दोनों ने मिली। तो वह सदरलैंड को अगर फिर से बॉलिंग नहीं करवाते तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं। बैट फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड में चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पिन चलते हैं तो स्पिनर्स के लगभग और आने वाले हैं। जोटिया वेरियम 12+0, 0, 18 रन, 1 विकेट, 0, 12+0, लास्ट मैच में शानदार 2 विकेट निकाले भाई, शानदार ट्रंप पिक रही थी। मैंने बोला था चलेगी भाई, क्योंकि पिच ऐसे हैं तो स्पिनर्स को अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। पहले मैच में हालांकि इसको विकेट नहीं मिला, इतने ज्यादा ओवर भी नहीं डलवाए थे इससे, और लास्ट मैच में शानदार 2 विकेट इसने निकाले थे। एलेना किंग को देखो आप, 3 विकेट, 0, 17 रन, 4 विकेट, 8 रन, 1 विकेट, 46 एक विकेट, 2 विकेट, कमाल की पिक का मस्ट पिक प्लेयर है ये कुछ, ठीक है। सोफिया मोनलिक्स को आपको फिक्स करके चलना है, 33+0, 9 रन, 1 विकेट, 11 एक विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, भाई स्टार्टिंग में वो डालने आएगी, काफी इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है। बहुत ही किफायती गेंदबाजी करती है, साथ में इसको विकेट भी मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सोफिया मोनोलिक्स, एलिना किंग और गार्डनर, लगभग चांस है इनमें से कैप्टन फिर से आपको रिपीट होता नजर आएगा। मेगन सूट को देखो आप, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, मेगन सूट एज ए प्लेयर आप अपनी टीम में रख सकते हो। ग्रेस हैरिस खेलते हैं तो अच्छी पिक बन सकती है भाई, 60 नॉट आउट, 0, 5+0, 15+0, 14 रन, 2 विकेट, 1+0, बॉलिंग करवाएगी तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बांग्लादेश वुमेन की, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। ऐप के साथ ओपन करेगी एस मोस्टी, उसके बाद एम खातून, एन सुल्ताना, ऐप खातून, रितु मोनी, एस अख्तर, रुबिया खान, नाइदा अख्तर, एम अख्तर और एस खातून आपको खेलते हुए नजर आएगी। अब इसके अलावा ये टीम शायद चेंज करे ये तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। यहाँ देखो भाई एफ को 62, 58, 35, 102, उसके बाद 8, 0, 7, भाई रन अच्छे बना लेती है ओडीआई में खास करके, लेकिन लास्ट गेम में 50 बॉल खेल गई थी 7 रन, मतलब एक तो पिच वैसे भी बैटर्स के लिए नहीं है, तो जो टॉप ऑर्डर के जो आपको 3 बैटर दिख रहे हैं इनकी तरफ से, चांस लो तो एक पे लेना वो एफ पे, क्यों? क्योंकि हमेशा अच्छे रन बनाती है, बाकी और प्लेयर इस लेवल की गेंदबाजी को खेलना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। 19 नॉट आउट, 16, 0, 3, 17, 3 तो कुछ खास आंकड़े है नहीं, ठीक है। एम खातून को 22, 91 की अच्छी पारी, इसके अलावा कुछ खास है नहीं, तो इनमें तीनों में से अगर चांस लेना तो ज्यादा फर्स्ट पे प्रिफेयर करूंगा मैं एफ हक को, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो एक पे ले लेना, बाकी चाहो तो तीनों पे फिर से चांस ले सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। एन सुल्ताना को रख सकते हो क्योंकि कीपिंग में पॉइंट देगी, 11, 33, 38, 13, 27 और 1, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी जीएल में इनमें से आप एक प्लेयर लोगे तो आपके लिए वो अच्छी साबित हो सकती है एफ हक, ठीक है। खातून को देखो आप, 2 विकेट, 2 विकेट, 46 एक विकेट, 15+0, 1 रन, 1 विकेट, 11+0, भाई लगभग मैचों में अच्छा काम कर जाती है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, कहीं ना कहीं से इसके पॉइंट्स हमेशा हर मैच में जब भी बांग्लादेश का मैच रहता है हमेशा रहता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। रितु मोनी को देखो आप, 2 विकेट, 0, 1 विकेट, 1 विकेट, 33 रन, 1 विकेट, 1 रन, 10 रन, लास्ट दो गेम में बॉलिंग नहीं करवाई रितु मोनी से, तो
तो ये देखते हुए रिस्की पिक रहेगी, ठीक है, चाहो तो ट्राई करना, बाकी मत करना, क्योंकि मैं बता दूंगा कौन से प्लेयर आपको ट्राई करने हैं। एस अख्तर को देखो, 5 विकेट, उसके बाद विकेट 23+0 0 27 6 1 4 रन 1 विकेट 2+0, यानी बहुत कम चांस है कि इसको विकेट मिले, क्योंकि लास्ट पहले ओडीआई में जरूर विकेट मिला था, तो ये देखते हुए आप चांस ले लेना इस पर, ठीक है, एस अख्तर पे चांस ले लेना। रुबिया खान अच्छी पिक है, 1 विकेट 0 0 2 विकेट 0 2 विकेट 5+0 3 रन 1, बॉलिंग अच्छी डाली थी दोनों ओडीआई में, एक में विकेट मिला एक में नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रही है तो चांसेस बनेंगे विकेट मिलने के, तो ट्राई किया जा सकता है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है। नाहिदा अख्तर इनकी सबसे अच्छी प्लेयर है, 2 विकेट 3 विकेट, उसके अलावा 0 0 2 विकेट, लास्ट मैच में विकेट हालांकि नहीं मिला तो बैटिंग से रन करके गई थी इनकी तरफ से। एन अख्तर, एस अख्तर, एन सुल्ताना, एफ खातून, ये अच्छे पिक आपके लिए, ठीक है, फिर एस खातून, इनमें से आप डिफरेंसली एक दो को छोड़ सकते हो, इनमें से 4 या 3 प्लेयर ही फिर से आपको आते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा रिस्क एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो एफ को अपनी टीम में रख लो। एम अख्तर को देखो आप, 1 विकेट 0 1 विकेट 0 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में विकेटलेस। एस खातून, 2 विकेट 2 विकेट 0 0 2 विकेट 1 विकेट, भाई एस खातून को ट्राई करना। एम अख्तर मैंने लास्ट मैच में भी आपको बोल दिया, पहले मैच में जरूर इसको 1 विकेट मिल गया, लेकिन राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद इसको विकेट देने के चांसेस कम है। बाकी देखो रेयर चांस में कई बार बॉलर को विकेट मिल जाता है, वो बात अलग है, लेकिन चांस कम है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं मेगा ग्रैंडलीग के लिए आप क्या चेंज करोगे। भाई देखो सीधी टीम तो सबको पता है ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीतने वाली है, हाई चांस है, ठीक है, लेकिन आप चेंज करके किस प्रकार से आगे निकल सकते हो। और जैसे लास्ट टाइम भी अपने बहुत ही शानदार टीम बनाई थी, ठीक है, क्योंकि ट्रंप प्लेयर अपने चले थे। इस मैच में भी देखो एफ अक, रुबिया खान और एस अख्तर, ये बैटिंग सेशन से ये दोनों बॉलर है, एक ऑलराउंडर है एस अख्तर और रुबिया खान बॉलर है, हालांकि बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती है। टायलर मैकग्रा पीलिज फील्ड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, अब ट्राई किस प्रकार करना है। देखो हाई रिस्क की प्लेयर है और वुमेन मैच में दो प्लेयर भी आपके लिए काफी है अगर आपको फर्स्ट रैंक तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, अगर ये प्लेयर आप सही पिक करते हो हाई परसेंट प्लेयर को छोड़कर, ठीक है। हर मैच में बताता हूँ, हर मैच में अपन विन करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यहाँ देखो अब ध्यान से सुनने लायक बात यह है कि अगर बांग्लादेश की टीम पहले फील्डिंग कर रही है ना, तो इन दोनों बॉलर्स में से एक को रख लेना, बाकी दोनों को रख लेना, मैं कह रहा हूँ जीएल में काम कर जाएगी आपके लिए बहुत ही शानदार, एक एक विकेट या दो दो विकेट इनको मिल जाएंगे, ठीक है, कैसे मिलो, ये ड्रीम टीम के मेंबर बनने के चांसेस रहेंगे। ऐप आपको आप बेट फर्स्ट में ट्राई कर लेना, हालांकि होगा रिस्की है मैं बता रहा हूँ, लेकिन ट्राई किया जा सकता है जीएल में। इनकी तरफ से पीलिज फील्ड, टायलर मैकग्रैथ में से एक को ट्राई करना, दोनों को ट्राई मत करना, ठीक है, चाहो तो फिर अगर ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो इन दोनों को भी आप रखकर चल लोगे तो आप तो भी आपका काम हो जाएगा, फिर आप टायलर मैकग्रैथ को रख सकते हो या फिर नया प्लेयर खेलेगा जैसे ग्रेस हैरिस खेले तो उसको अपनी टीम में रखना है। यहाँ देखो किस प्रकार से टीम बनानी, एन सुल्ताना, बैथ मूनी, हेली को रखा है, यहाँ पे है रखा है हेली को, ठीक है, पेरी को रखा है, एफ एक पेरी और पीलिज फील्ड, भाई चांस ना लेना चाहो तो बॉलर यहाँ पे रख लेना भाई, ठीक है। गार्डनर, एफ खातून, गार्डनर को ही रखा है केवल, एलिना किंग, रुबिया खान, नाहिदा अख्तर, सोफिया मोनोलिक्स, जॉर्जिया वेरियम, ठीक है, मेगन सूट पे चांस लिया, बहुत हाई रिस्की है, ठीक है, आप चाहो तो इनमें से सेफ जाने के लिए मेगन सूट को रख लेना, ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत चांसेस अपन को कई बार लेने पड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि साइड से बॉलर को विकेट मिल जाता है और अगर स्टार्टिंग में मेगन सूट के 4-5 और 6 ओवर में विकेट नहीं मिली तो उसके बाद इसका बॉलिंग आने का चांसेज ही नहीं रहेगा क्योंकि स्पिनर्स इनको ऑल आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो एलिना किंग, नाहिदा अख्तर, मेगन सूट, सोफिया मोनोलिक्स, जॉर्जिया वेरियम, आर खान को रखा है, रुबिया खान, ठीक है, आपको क्या करना है, एम खातून को यहाँ पे रखना है, ठीक है, डिफरेंसली अलग टीम में। अब कैप्टन वाइस कैप्टन, भाई इन तीन के पास ही जाना ज्यादा से ज्यादा, गार्डनर, एलिना किंग, सोफिया मोनोलिक्स, चाहो तो फिर पेरी को वीसी ट्राई कर लेना, इनकी तरफ से कैप्टन आने के चांसेस ना के बराबर है, मैंने लास्ट दोनों मैचों में आपको बोला है, तो ज्यादा हाई रिस्क फालतू में क्यों लेना जब अपन को पता है कि टीम इधर से बनने वाली है, तो वो तो बहुत ही रेयर चांस होगा, ऑस्ट्रेलिया वुमेन को ओडीआई मैच में हराना भाई बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।